नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी फैल गई है। पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे पे ब्लेम लगा ही रहे हैं। मुंबई पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है कि पता नहीं किस अधिकारी के रिश्ते किस ड्रग रैकेट और ड्रग माफिया के साथ निकल आए। लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ तो बॉलीवुड गैंग है, क्योंकि ये जो छापेमारी हो रही है, इन लोगों के तार बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, हीरोइन, एक्ट्रेसेस, ये 100 करोड़ वाले गैंग के भी बहुत सारे एक्टर्स के नाम इसमें शामिल होता नजर आ रहा है। इस वजह से मुंबई में जो स्थिति जो है वो इन लोगों के लिए बहुत ही नाजुक सी बन गई है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ रिया चक्रवर्ती की वजह से हो रहा है। और खबर यही आ रही है कि ये सारे लोगों ने अब ये फैसला कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती से जो सपोर्ट सिस्टम है, इसके चक्कर में पूरी की पूरी वो नैया ही इनकी ना डूब जाए, इसलिए ये लोग अब रिया चक्रवर्ती से अपना पल्ला झाड़ने में जुट गए हैं। लेकिन शिवसेना क्या करेगी, क्योंकि शिवसेना ने तो एक भस्मासुर पाल रखा है, ऐसा भस्मासुर जो पता नहीं आए दिन इस तरह के बयान दे देते हैं कि जिसकी वजह से शिवसेना की तो किरकिरी होती ही है और महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे भी रुसवा हो जाते हैं। और ये संजय राउत, इन्होंने कंगना रानावत से पंगा लेकर के अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस तरह की अभद्र भाषा, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल सामना के इस एडिटर ने किया, तो कम से कम उद्धव ठाकरे से ये उम्मीद थी कि वो कम से कम, वो सभ्य आदमी हैं, उद्धव ठाकरे कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनसे ये उम्मीद थी कि कम से कम वो सामने आते और ये कहते कि संजय राउत की जो भाषा है या शिवसेना में और भी जो लीडर्स जो इस तरह के बदतमीजी की तरह बातचीत कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उसकी वो निंदा कर दिए होते तो मसला सुलझ गया होता। लेकिन चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो हैं ये धृतराष्ट्र बन चुके हैं। इन्होंने न कोई बयान दिया तो लोगों को यही लग रहा है कि ये जो संजय राउत की जो बोली है ये दरअसल उद्धव ठाकरे की बोली है, यही बोली शरद पवार की है और यही बोली सोनिया गांधी की है, और इसीलिए ये राजनीति का एक अलग खेल वहाँ हो रहा है। जब वहाँ राजनीति हुई तो केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला ले लिया और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के रिक्वेस्ट पे कंगना रानावत को वाई सिक्योरिटी दे दी। अब इस सिक्योरिटी का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और किस तरीके से इस सिक्योरिटी के दिए जाने के बाद इस अघाड़ी सरकार के अंदर बवाल मचा है, इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मेन खबरें तो आ रही है सीबीआई और एनसीबी की जांच में, जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने की ओर सीबीआई ने एक और बड़ा कदम ले लिया है। पहले एनसीबी में क्या हो रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं, जहां रिया चक्रवर्ती को आज दूसरे दिन भी बुलाया गया। नोट करने वाली बात यह थी कि जब वो आज अंदर गई है तो एक बड़ा सा बैग था, उसमें शायद कपड़े रखे हुए थे, और इससे अंदेशा ये लग रहा है कि कल तो वो बच गई थी लेकिन आज शायद उसकी गिरफ्तारी होना वो बिल्कुल तय सा लग रहा है। अब किस तरीके से वो एनसीबी के अधिकारियों को झांसा देने में कामयाब हो पाती है नहीं, ये तो शाम तक मालूम चलेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि आज जब सारे लोगों का आमना सामना हुआ तो सारे लोग रटे रटाए जवाब दे रहे थे। वही इन लोगों ने एक बात तो मान ली है कि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर ड्रग्स लेकर के आते थे, लेकिन अभी भी ये लोग इस बात पे टिके हुए हैं कि इन लोगों ने ड्रग्स का खुद इस्तेमाल नहीं किया। रिया चक्रवर्ती जो कहती है कि हम तो बहुत प्यार करते थे सुशांत सिंह राजपूत से, आज फिर उसने पूछताछ के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कीचड़ उछाले। उसने कहा कि ये तो ड्रग एडिक्ट था, ये सारी चीज़ें जो मैं लेकर के आती थी, इन लोगों से मंगवाती थी, वो सब सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही मैं लाया करती थी, इन लोगों से मंगवाया करती थी। ये कहानी लगातार चल रही है, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती ने एक और खुलासा किया है जिससे वो संकेत मिल रहे हैं कि वो आगे आने वाले दिनों में अगर वो ऐसा लगता है कि वो इस केस में पूरी तरीके से फंस जाएगी तो
तो वो कई सारे नाम भी उसने वो बताना शुरू कर देगी। उसने आज एनसीबी के सामने ये कबूल किया है कि जो दो ड्रग पेडलर्स थे बासित और जैद, उससे वो मिला करती थी। मतलब ये बासित कौन है? तो बासित वो शख्स है जो रिया चक्रवर्ती के भाई को बॉलीवुड की पार्टियों में लेकर के जाता था और वहां ड्रग्स का कारोबार करता था। जैद वो शख्स है जो सैमुअल मिरांडा की तरह अलग अलग जगह पे ड्रग्स की सप्लाई किया करता था बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स के बिहाफ पे। तो कहने का मतलब यह है कि आज रिया चक्रवर्ती ने एक स्टेप आगे ले लिया है इस बात में कि उसके रिश्ते सीधे सीधे, अब तक तो वो ये कह रही थी कि वो डायरेक्टली वो किसी रैकेट से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आज जो उसने कबूल किया है कि वो जैद और बासित से भी मिला करती थी, तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा नज़र आ रहा है। ड्रग्स का सिलसिला, ड्रग्स रैकेट किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी जांच कैसे जा रही है, ये तो अपने आप चल ही रहा है। आज शायद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन सीबीआई में जो हो रहा है वो तो कमाल ही हो रहा है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एम्स के जो फॉरेंसिक डॉक्टर, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सुशांत की मौत आत्महत्या है या हत्या है उसकी गुत्थी को सुलझाने में जुटे हुए थे, तो वो कल कूपर हॉस्पिटल में लगातार 5 घंटे तक कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ उन्होंने पूछताछ की, उनकी ग्रिलिंग की। अब उसके कुछ डिटेल्स आ रहे हैं सामने कि उस दौरान एम्स के डॉक्टर्स ने उनसे साफ साफ पूछा कि आप ये बताओ कि किस आधार पे आपने इसे मौत, इसे एक मर्डर को नहीं माना। ये उल्टा सवाल किया जा रहा है उनसे कि अगर इस तरह के दाग हैं, मतलब कि वो क्या क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से आपने इसका हत्या का एंगल जो है ओपन एंडेड छोड़ दिया। कई सारी चीज़ें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी गई है। और मज़ेदार बात क्या है कि ये एम्स की जो टीम, जो डॉक्टर्स की जो टीम है, उन्होंने बहुत सारे लूपहोल्स निकाले हैं। कई सारे कॉलम्स ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने खाली छोड़ दिया था। खाली किस लिए छोड़ दिया था? कि ताकि वो ओपन एंडेड हो जाए, ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। बॉडी अब है नहीं, सिर्फ तस्वीरें हैं। और तो और एक बात जो लगातार पूछा जा रहा है कि ये कैसा आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया जिसमें मौत का वक्त नहीं दिया हुआ है। तो मतलब ये कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी इस केस में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उससे ठीक पहले रिपब्लिक टीवी पे एक स्टिंग ऑपरेशन आ रहा था जिसमें जिस डॉक्टर ने दिशा सालियान का पोस्टमार्टम किया था वो साफ साफ कह रहा है कि मुझे इस केस के ऊपर कुछ नहीं बोलना है, मैं नहीं बोल सकता हूं, हमें बोला गया है कि इस पर कुछ बयान नहीं देना है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई फॉल प्ले नहीं है, तो इस डॉक्टर को दिशा सालियान के पोस्टमार्टम के बारे में बात करने से कौन रोक रहा है? ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन आज पूछताछ का भी सिलसिला जारी रहा। आज जो नया चेहरा सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचा, उसका नाम है रोहिणी अय्यर। ये रोहिणी अय्यर सुशांत सिंह राजपूत की पहले मैनेजर हुआ करती थी, काफ़ी घनिष्ठता थी। और ये बताया जाता है कि यही रोहिणी है वो लड़की जिसने रिया को मिलवाया था। ये रिया की भी दोस्त है, सुशांत की तो मैनेजर ही थी। और जो कहानी जो बताई जा रही है कि जैसे ही रिया चक्रवर्ती सुशांत की ज़िंदगी में आई तो सबसे पहला निशाना उसने रोहिणी अय्यर पे लिया और रोहिणी अय्यर को सुशांत से दूर कर दिया, उसको उसके असाइनमेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये दोनों को ही जानती है और वो कई दिनों से इस बात को कह रही है कि जैसे ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है तो उसने सबसे पहले ये कहा था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर है, वो शख्स आत्महत्या नहीं कर सकता है। और आज सीबीआई उसी रिया चक्रवर्ती कैसे मिली, क्या उसका पूरा डिजाइन, जो सहेलियों के बीच बातचीत होती है, वो कुछ भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज उसने अब तक किसी टेलीविजन चैनल के सामने आकर के तो वो राज नहीं खोले हैं, लेकिन शायद सीबीआई के सामने वो कई सारी नई बातों को ज़रूर बताए। वो उसको बताना चाहिए, अगर वो अगर ये बताती है कि किस वजह से रिया चक्रवर्ती
सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आई, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं तो वो एक बड़ा मसला जो है सामने आ रहा है। तीसरी जो बड़ी खबर जो सीबीआई की तरफ से आ रही है कि जो विसरा है सुशांत सिंह राजपूत का, वो कानूनी तरीके से उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। और अब चूंकि एम्स के डॉक्टर्स को इस पूरी जो आत्महत्या की थ्योरी है उस पर अब विश्वास नहीं रहा है, इसलिए विसरा की फिर से उसकी जांच के लिए दिल्ली में उसे लाया गया है और उसकी फिर से जांच की जा रही है, जिससे कई सारे राज अपने आप खुलेंगे। ये पता चल जाएगा कि वाकई मौत से पहले इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को जूस दिया था या फिर जहर दिया था। तो ये सारी घटनाएं, ये सारे डेवलपमेंट्स इस केस में हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सीबीआई एक वन ट्रैक पर चल रही है कि जहां वो सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटी हुई है और दूसरी तरफ एनसीबी है जो रिया चक्रवर्ती के ड्रग माफिया के साथ उसके जो रिश्ते हैं उसको खंगाल रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती फंस गई है और जिस तरह से उसके वकील ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिस तरह से उसके पिता ने कह दिया है कि मेरे बेटे को पहले आपने गिरफ्तार किया, अब मेरी बेटी को भी आप गिरफ्तार कर लेंगे, तो ये साफ साफ लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पीछे का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अब खत्म होता चला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती तो फंसने वाली है, लेकिन संजय राउत ने शिवसेना को कहां फंसा दिया है? एक तो बदजुबानी की, उसके बाद कई सारे जो छोटे मोटे जो शिवसेना के जो एमएलएज हैं वो और भी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। और अब जब वॉइस सिक्योरिटी मिल गई है तो 9 तारीख को कंगना रनावत आएगी। मैं आपको बता दूं, ये जो वॉइस सिक्योरिटी है इसका मतलब क्या है, इसमें सीआरपीएफ के 11 कमांडोज कंगना रनावत के आसपास हमेशा मौजूद रहेंगे। ये बहुत ही हाई डिग्री का सिक्योरिटी है। मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े बड़े लीडर, सबसे ज़्यादा जितने जो बड़े लीडर्स हैं जो जेड सिक्योरिटी में नहीं आते हैं, जो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं है, तो ज़्यादातर बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको ये सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें 11 कमांडो सीआरपीएफ के होते हैं और साथ ही साथ इसमें 2 पीएस भी होते हैं जो उस वीआईपी के साथ साय की तरह 24 घंटा उनके साथ रहते हैं। इस तरह की सिक्योरिटी मुंबई में एक और महिला को है जिसका नाम है नीता अंबानी। अब आप समझिए कि किस तरह की सिक्योरिटी कंगना रनावत को दी गई है और कंगना रनावत इसके बाद बहुत ही ताल ठोक के वो वहाँ पहुँचेगी मुंबई। और ये संजय राउत और शिवसेना के जो लीडर्स हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात समझने की ये है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे के ऊपर अपने नेताओं, संजय राउत इन जैसे लोगों के मुँह बंद नहीं किए तो इसका खामियाजा राजनीतिक तौर पे इनको बहुत ही ज़्यादा उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी 2 फाड़ हो चुका है। कल संजय निरुपम सामने टेलीविजन के सामने आए और उन्होंने संजय राउत के खिलाफ बयान दिया, शिवसेना के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने अपनी पार्टी को भी चेतावनी दी कि अगर इस तरह की सड़क छाप किस्म की राजनीति शिवसेना के लोग करते हैं तो कांग्रेस से इनका रिश्ता खत्म होना चाहिए। एक और बहुत बड़ा नाम है मुंबई में अबू आजमी, ये समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि कंगना रनावत ने तो महाराज के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये तमाशा कर रहा है संजय राउत। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहा है मुंबई के अंदर में और युवाओं के बीच जहर बांट रहा है, इसके बारे में उसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन ये लोग सोते रहे। आपके अघाड़ी सरकार का एक सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी और ये समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अबू आजमी, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ड्रग का कारोबार मुंबई के अंदर हो रहा है इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार या अघाड़ी सरकार जिम्मेदार है और ये मुंबई पुलिस जिम्मेदार है। अब संजय राउत क्या करेंगे? संजय राउत अब अबू आजमी को भी धमकी देंगे? तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री के ऊपर पर्दा डालना चाह रहे थे, जो न्याय के खिलाफ
बातचीत कर रहे थे वो अपने ही घेरे में अब फंसते चले जा रहे हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।